सर आप, मैं सबसे सोच रहा था कि आप कब आएंगे। वो सब तो ठीक है हीरो साहब, पहले ये बताइए कि घर में सब लोग कैसे, और वो प्रैक्टिस ठीक से चल रही है कि नहीं? प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चल रही है, बस हम शूटिंग की डेट बता दीजिए, मम्मी पापा भी मान गए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है? सारी लाइन तू अरे छोड़ो भाई साहब, हम लोग तो बाहर ही जा रहे हैं यार, छोड़ो ना। अरे हम आपको इसलिए पकड़े भैया, बाहर ना जाओ। तो हम अंदर तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या जाके? मत छोड़ो यार। अरे पहले सैंड्रा मैम के पास चलना, फिर जाना। चल सुन यार, कहो स्टार। देखिए मैडम, अब ये नहीं हो पाएगा, मतलब माना कि ये बिस्किट की एड फिल्म है, लेकिन अब आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ जाएंगी तो हम आपको बच्चों की एड फिल्म में काम थोड़े ही दे देंगे। एक मिनट, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने ये ड्रेस इसलिए नहीं पहनी है कि आप लोग मुझे अपनी एड फिल्म मिले, मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म है, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। माफ कीजिएगा मैडम, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, बंटी जो आपका बेटा है वो क्या चेहरा पाया, कमाल का टैलेंट है उसके अंदर। मैं कैमरे की कसम खा के कहता हूँ मैडम, ऐसा सूरज जैसा चमकने वाला चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। अरे मैडम, हमारे सर की आंखों में कैमरा लगा है, कैमरा। एक बार जिस बच्चे को देख लेते हैं ना सर, उसके बारे में ये बता देते हैं कि बच्चा कहाँ तक जाएगा। अरे मैडम, आप कह रही हैं कि बंटी मुंबई? अरे मैडम, मुंबई तो बंटी के लिए एक छोटा सा स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन। अरे मैडम, उसको तो हॉलीवुड तक जाना है, हॉलीवुड। मैडम, इंग्लिश सिनेमा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप लोग जब इस तरह टैलेंट खोज रहे हैं तो इस खोज में आप बिना परमिशन के किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में घुस जाते हैं? अब हम तो अपनी फिल्म के लिए एक्टर ढूंढ रहे थे, अब उसके लिए क्या परमिशन वर। लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी दे दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, ये बंटी एड फिल्म में काम कर रहा है, इस बात से तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? देखिए बंटी के पेरेंट्स सही हो या नहीं, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि आप स्कूल में कभी भी घुस आए और बंटी या किसी भी बच्चे से मिले? अरे मैडम गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। अरे लेकिन मैडम बंटी हमारे साथ काम तो करेगा ना मैडम? एक शर्त पर, आपको बंटी के पिताजी को फोन करके अपॉइंटमेंट लेनी होगी और सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझाना होगा। अगर वो मान गए और उन्हें कोई एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज, ठीक है?